Good morning, students. Today, um, I, ha I had started the chapter A Glimpse of India, first part, in which I completed till here. Till there. Now I have to start from this paragraph. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. लेखक क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं कि जो मैरिज गिफ्ट्स होती हैं जो शादी के उपहार होती हैं वो उनका कोई मतलब नहीं होता है बिना स्वीट ब्रेड के बिना स्वीट ब्रेड के जिसे क्या कहा जाता था बॉल जस्ट एज पार्टी और ए फीट लॉजेज इट्स चार विदाउट ब्रेड जैसा कि पार्टी या दावत की रोटी अपना आकर्षण खो देता है बिना ब्रेड के नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज यह बताने के लिए प्राप्त नहीं है कि एक गांव के लिए एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट उस घर की जो औरतें होती थी अपने बेटी के इंगेजमेंट में क्या करती थी सैंडविचेस बनाती थी केक एंड बॉलिनस आर मस्ट फॉर ए क्रिसमस एज वेल एज देयर फेस्टिवल्स केक्स और जो बॉलिनर्स होते थे वो क्रिसमस पे जरूर बनाए जाते थे और दूसरे फेस्टिवल पे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल इसलिए बेकर्स की जो भट्टी का भट्टी जो था वो किसी भी गाँव में बहुत ही ज़्यादा जरूरी था द बेकर और ए ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्लियोर ड्रेस नोन एज द कबई बेकर्स और जो ब्रेड बेचते थे उनका एक क्या होता था विशेष प्रकार का ड्रेस होता था जिसे कबई के नाम से जाना जाता था इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज वह एक क्या होता था एक प्रकार एक फ्रॉक होता था लॉन्ग जो घुटने के नीचे तक रहता था इन आवर चाइल्ड हुड saw bakers वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच व शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट अपने बचपन में हमने बेकरों को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा हो जो पूरी लंबाई वाले और आधा से ज्यादा लंबे पैंट से कम थे इवेन टूडे एनी वन हुए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज डिसक ए पैडर और आज भी कोई ऐसा हाफ पैंट पहनता है जो घुटने के नीचे रहता है तो उसे एक टिप्पणी दिया जाता है एक टिप्पणी दिया जाता है क्या कि वो बेकरस की तरह पैडर की तरह पोशाक पहने हुए हैं द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ बेकर जो है महीने के अंत में अपना बिल जमा करता था मतलब जमा करता था सबसे मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल मंथली जो वो अकाउंट होता था वो वॉल पे, पे दीवार पे, पे पेंसिल से लिखा जाता था बेकिंग वॉज इन डी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज और बेकिंग क्या है वास्तव है पुराने दिनों में एक लाभदायक पेशा था द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार बेकर और उसके जो परिवार थे वो कभी भूखे नहीं मरते थे ही इज फैमिली एंड हज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्पेरस वो उसकी फैमिली और उसके जो नौकर होते थे हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे दे आर प्लम्प फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टामोनी टू दिस उनका जो प्लम फिजिक्स रहता फिजिक रहता था जैसे उनका जो मतलब गदगदाया हुआ जो शरीर रहता था वो उसकी बात की प्रमाण कर देता था इवेन टूडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल एपीरियंस इज ईजली कम्पेयर टू ए बेकर और आज भी जो जिनका जो शरीर होता है वो कटहल की तरह होता है कटहल की ही दिखता है वो भी क्या उसे भी क्या कम्पे किससे कंपेयर किया जाता है एक बेकर से तो आज ये आपका क्या हुआ चैप्टर ये कम्प्लीट हो गया थैंक यू